हमारे गोवा का ये ट्रिप उन लोगों के लिए है जो मगरमच्छ की तरह बीच में पड़े रहना जानते हैं, क्योंकि हम भी इसीलिए जा रहे हैं। गोवा टू बैंगलोर का ये रोड ट्रिप हमारा चल पड़ा है। हमारे आराम में कोई खलल नहीं हो, इसलिए मैंने पहले ही बड़े बड़े फैंस लगा लिए थे रोड में। ये फैन हमें पूरे रास्ते आराम देते रहे। घाटियों पे पहुंच के हमने घाटियों की गहराई नापी। गहराई नापते नापते हमें डर लग गया। हम जल्दी से कार में वापस बैठ गए और हमने व्हील्स ऑन द बस कोकोमेलन लगा लिया। गोवा पहुंच के मैं और बच्चा गोते खाने लगे और मैंने उसको बताया डर के आगे जीत है। बताते बताते सनसेट हो गया, पर मेरी तलवारबाजी की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। बेटे को मैंने अपने तलवारबाजी सिखा दिया और मेरा बेटा कॉन्फिडेंस में आ गया। फिर उसने बिल्ली को शेर समझ के झपट्टा मारा, बिल्ली भाग गई। लेकिन बाहर उसको बहुत से अंग्रेज बच्चे मिले और मेरे बेटे ने सोचा क्या आज़ादी अभी तक नहीं मिली। अपने तलवार को लेके वो आगे लड़ने निकल पड़ा, पर उनके पास डंडे भी थे। लेकिन गोवा देख के कन्फ्यूज़ हो गया और सोचा आज ही इंडिपेंडेंस डे है। फायरवर्क्स देखने के बाद मैंने अपने बेटे और नानी को होटल रूम में भेज दिया और मैं और मेरे पति आ गए बहुत सारा फिश ठूसने के लिए। और इसी तरह हमारा होता है डे वन एंड। आपको बताते हैं डे टू में हमने किस तरह से मगरमच्छ की तरफ बीच में पड़े रहे।